सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। मनिका प्रखंड कार्यालय में जिला परिषद कार्यालय का उद्घाटन हुआ। मनिका प्रखंड कार्यालय में आज दिन सोमवार को पश्चिमी जिला परिषद सदस्य बलवंत सिंह के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में लातेहार जिला परिषद के अध्यक्ष पूनम देवी एवं मनिका प्रखंड प्रमुख प्रतिमा देवी, पश्चिमी जिला परिषद सदस्य बलवंत सिंह, पूर्वी जिला परिषद सदस्य संपतिया देवी, लातेहार जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान, युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष मनिका मिथिलेश पासवान सहित संयुक्त रूप से कार्यालय का फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। कार्यालय में उपस्थित लोगों को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा भी कराया गया। मौके पर लातेहार जिला परिषद के अध्यक्ष पूनम देवी ने कहा कि मनिका ब्लॉक परिसर में जिला परिषद का कार्यालय खुला है और यहां जनता आएंगे और अपनी समस्या जिला परिषद को बतलाएंगे, उनके समस्या का समाधान उनके द्वारा किया जाएगा। मौके पर 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष मनिका विश्वनाथ पासवान, समाज सेवी बल्ली प्रसाद यादव, राजद प्रखंड अध्यक्ष मनिका जितेंद्र यादव, विनय दिरवार, इरफान खान, मुरारी ठाकुर, उस्मान अंसारी, मोहन ठाकुर, तस्लीम अंसारी, अकबर अंसारी, सागर यादव समेत अनेक लोग उपस्थित थे। मनिका से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। आज मनिका प्रखंड में ब्लॉक में आज जिला परिषद सदस्य श्री बलवंत सिंह जी का आज कार्यालय उद्घाटन हुआ है। तो यहाँ जन सुनवाई के लिए यहाँ जनता आएगी और जनप्रतिनिधि जिला परिषद सदस्य को अपना समस्या सुनाएंगे और उसका निष्पादन करने के लिए यहाँ ऑफिस एक खुला है और यही बैठ के हमारे जिला परिषद सदस्य निष्पादन करेंगे, उनकी समस्या का समाधान करने में बहुत ही सुलभ होगा। मैं जिला परिषद अध्यक्ष पूनम देवी लाते। अच्छा मैडम, ये मनिका का ब्लॉक का भी माहौल अभी खराब है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप, क्योंकि आप चेयरमैन हैं लातेहार का। मैं अभी यहाँ सभी ऑफिस में घूम कर देखे, यहाँ का स्थिति व्यवस्था बहुत ही लचरी है। यहाँ का वीडियो से मैंने बात की, यहाँ 10:30 बजे ऑफिस खुलने का टाइम है लेकिन हम यहाँ 11:45 में यहाँ आए और देखे कि कुछ कुछ ऑफिस में ताला लटका हुआ था। और जब मैं पदाधिकारी यहाँ का पदाधिकारी लोग से बात करना चाहिए तो सभी यही बोलते हैं कि मैं क्षेत्र में, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि क्षेत्र का बहाना बाजी करने से नहीं होगा। सबसे पहले ऑफिस आए और अपना उपस्थिति दर्ज कराएं, उसके बाद में आप क्षेत्र का भ्रमण करें, जनता का जन सुनवाई करें, यही मेरा कहना है।